नमस्कार दोस्त, मैं आपका दोस्त सर्वेश आपके चैनल पे आज एक नई भर्ती के साथ फिर से स्वागत करता हूं दोस्त। ये भर्ती जो निकल के आ रही है MMRDA का वैकेंसी है, जो टोटल पद है इसमें 16,726 पद है। इसका जो फॉर्म होगा वो ऑनलाइन भरना होगा, इसका पेमेंट भी जो है वो भी आपको ऑनलाइन देना होगा। इसके साथ साथ बता दें जो इसकी योग्यता है 10वीं 12वीं और ITI पास होना आवश्यक है। अलग अलग पद है, अलग अलग पद के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। किसी में 10वीं पास है, किसी में 12वीं पास है, किसी में ITI मांगा गया है। और इसके साथ बता दें अनस्किल और स्किल वर्कर दोनों प्रकार के इसमें वर्कर चाहिए, जो कि यानी ITI किए हैं वैसे भी वर्कर चाहिए, जो ITI नहीं किए हैं यानी 10वीं और 12वीं पास हैं वैसे भी इनको वर्कर की आवश्यकता है। अलग अलग पद हैं, आप इसको देख लीजिएगा कि किस पद के लिए क्या क्राइटेरिया रखी गई है, उसके अनुसार आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। और किसी प्रकार की परेशानी आती है तो आप मैसेज बॉक्स के माध्यम से हमें मैसेज कर सकते हैं। पूरा जानकारी आपको इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आपको परेशानी ना हो। फॉर्म की जो सीटों की संख्या है 16,726 बहुत अच्छी सीट है। इस ये ओवरऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए, ओवरऑल इंडिया के किसी भी राज्य से आप निवास करने वाले हों या किसी ज़िले के निवास करने वाले हों, आप इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दिया हूँ 8वीं 10वीं 12वीं ITI ग्रेजुएशन आप पास होना चाहिए, यानी अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग क्वालिफिकेशन है, आप उसके अनुसार इसका फॉर्म फिलअप ज़रूर करिएगा। इसमें जो है SC ST OBC को उनके नियमानुसार छूट दिया जाएगा। इसमें बहुत लंबे समय के बाद ये पद निकल के आ रहे हैं, 15 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, 15 जुलाई इसकी लास्ट तिथि है, उससे पहले आप फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर लीजिए, इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। और किसी प्रकार की परेशानी होती है तो मैसेज बॉक्स के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसका और अधिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या इसका लिंक कि कहां से आपको फॉर्म भरना है कैसे, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके लिंक के माध्यम से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। आपको बता दिया है साथ साथ कि SC ST OBC महिला के लिए अलग से छूट है और उस छूट का फ़ायदा उठाइए। जनरल की जो कैटेगरी है, कैटेगरी की बात कर ले तो दोस्त जो जनरल कैटेगरी में वही कैंडिडेट आएगा जो कि मान लीजिए 25 साल उम्र मांगा है, 25 साल की अगर आप भीतर हैं तो ही आप इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये बहुत सुनहरा मौका है, 18 साल से एज स्टार्ट है, इसमें फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिए और अप्लाई करिए किसी भी प्रकार की परेशानी।